हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सर कैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सर कैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग सबर्बन इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन में चलने वाली जो ट्रेनें होती हैं, खास करके ईएमयू हो, डीईएमयू हो, ठीक है ना, इससे रिलेटेड बेल कोड के बारे में हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे कि जब कोई लोको पायलट और गार्ड जब कोई बेल बजाता है तो उसका क्या मतलब होता है, उसका इंडिकेशन क्या होता है, उसका कोड क्या है, उसका मतलब क्या होता है। चूंकि यह बेल कोड लोको पायलट या मोटरमैन और गार्ड के बीच में एक कम्युनिकेशन का, एक संवाद का या एक सिस्टम होता है, ठीक है। तो आइए उस बेल कोड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं इस क्लास में। सबसे पहला है, जब बेल कोड अगर एक बेल बजता है, जब एक बेल बजता है, यह बेल कोड है, यह इंडिकेशन है, यह एक्नॉलेजमेंट है। कहता है कि जब एक बेल बजता है तो इसका मतलब होता है स्टॉप ट्रेन। जब एक बेल बजेगा तो इसका मतलब क्या होता है, स्टॉप ट्रेन। तो एक बेल लोको पायलट की तरफ से बजता है, मोटरमैन की तरफ से बजता है, तो गार्ड भी जो है एक्नॉलेजमेंट के तौर पर एक बेल बजाता है। जब दो बेल बजता है, जब दो बेल बजेगा, इस कोड का मतलब होता है स्टार्ट ट्रेन। पहला था कि एक बेल बजेगा, इसका मतलब होता है गाड़ी को रोकना, स्टॉप ट्रेन। टेक्नोलॉजमेंट के रूप में, पावती के रूप में गार्ड द्वारा भी एक बेल बजाया जाता है। जब लोको पायलट या मोटरमैन दो बेल बजाते हैं, इसका मतलब होता है कि ट्रेन को स्टार्ट करना है, तो रिसीविंग के तौर पर भी दो बेल बजाया जाता है। तीन में तीन जब बेल बजेगा, तीन बार जब बेल बजता है, इसका मतलब है कि गार्ड रिक्वायर्ड बाय एलपी, मतलब लोको पायलट को, मोटरमैन को गार्ड की जरूरत है। जब तीन बेल कोड बजाया जाता है, इसका मतलब होता है लोको पायलट को गार्ड की जरूरत है, तो रिसीविंग के तौर पे, एक्नॉलेजमेंट के तौर पे भी तीन बेल बजाया जाता है। जब वही चार बेल बजता है, इसका मतलब है प्रोटेक्ट ट्रेन इन रियरर, मतलब ये पीछे वाले पोर्शन को जो है, ट्रेन के पीछे वाले पोर्शन को क्या करना है, सुरक्षित करना है, तो रिसीविंग के तौर पे भी चार बेल कोड बजाया जाता है, चार बेल बजाया जाता है। पांच में कहता है कि अगर एक बेल बजे फिर पॉज हो, रुके, फिर बेल बजे। एक बेल बजा, रुका, फिर बेल बजा, इसका मतलब है कि जोन ऑफ स्पीड रिस्ट्रिक्शन ओवर। कहने का मतलब है कि उस जोन का जो स्पीड होगा उसको क्या कर रहा है, ट्रेन जो है, गाड़ी जो है पार कर रहा है। अगर एक बेल फिर रुके, फिर एक बेल बजे, इसका मतलब यह इंडिकेशन दिया जाता है कि उस जोन का जो स्पीड है ट्रेन का, उसको वो पार कर रहा है, ठीक है। तो रिसीविंग के तौर पर भी जो है एक बेल फिर रुकता है, पॉज रुकता है, फिर एक बेल बजता है, इसका मतलब कहा जाता है कि रिज्यूम प्रिस्क्राइब्ड स्पीड, मतलब जो स्पीड जो दिया गया है इस जोन में चलने का, उसको आप मेंटेन कीजिए। छह में है, दो बेल बजे फिर रुके, पॉज हो, फिर दो बेल बजे, इसका मतलब क्या होता है कि पासिंग ऑटोमेटिक सिग्नल एट ऑन स्पेक्ट। दो बेल बजे फिर पॉज, फिर दो बेल बजे, इसका मतलब होता है कि ऑटोमेटिक सिग्नल को ऑन स्पेक्ट में पार किया जा रहा है, ठीक है। तो रिसीविंग के तौर पे भी दो बेल पॉज, दो बेल बजता है। साथ में कहता है कि अगर तीन बेल बजे फिर पॉज, फिर तीन बेल बजे, इसका मतलब कि मोटरमैन नॉट टू एक्सीड प्रिस्क्राइब्ड स्पीड, मतलब मोटरमैन जो है, लोको पायलट जो है, उस प्रिस्क्राइब्ड स्पीड को एक्सीड नहीं करना है, बढ़ना नहीं है, बढ़ाना नहीं है, ठीक है। तो यह जो है सबर्बन सेक्शन, जो इलेक्ट्रिफाइड जो सबर्बन सेक्शन है, उसमें जो ट्रेनें चलती हैं, ईएमयू हो, डीईएमयू हो, तो उसमें क्या होता है कि लोको पायलट और गार्ड के बीच में जो संवाद होता है, उसी से रिलेटेड ये बेल कोड है, ठीक है। एक बार फिर से रिमाइंड कर दें, अगर एक बेल बजता है, एक बेल बजता है, इसका मतलब होता है स्टॉप ट्रेन, गाड़ी को रोकिए, तो रिसीविंग के तौर पे एक बेल बजाया जाता है। अगर दो बेल बजता है, इसका मतलब होता है कि स्टार्ट ट्रेन, ट्रेन को शुरू कीजिए, तो रिसीविंग के तौर पे भी दो बेल बजाया जाता है। अगर तीन बेल बजे, तीन बेल बजता है, इसका मतलब है कि लोको पायलट को, मोटरमैन को गार्ड की जरूरत है, ठीक है ना। तो रिसीविंग के तौर पे, एक्नॉलेजमेंट के तौर पे तीन बेल बजाया जाता है। चार में कहता है कि चार बेल बजता है, इसका मतलब है कि प्रोटेक्ट द ट्रेन इन रियरर, मतलब ट्रेन का जो पिछले वाला जो पोर्शन है, उस ट्रेन को जो है ना प्रोटेक्शन देना है, तो रिसीविंग के तौर पे, एक्नॉलेजमेंट के तौर पे चार बेल बजाया जाता है। पांच में कहता है कि अगर एक बेल बजता है फिर रुकता है, फिर एक बेल बजता है,
मतलब एक बेल बजा फिर पॉज हुआ फिर एक बेल बजा, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि उस जोन का जो प्रिस्क्राइब्ड स्पीड है उसको पार कर रहा है ट्रेन, ठीक है ना, उसको क्या कर रहा है, उसको पार कर रहा है, उस जोन का जो प्रिस्क्राइब्ड स्पीड दिया गया है, रिस्ट्रिक्टेड जो स्पीड दिया गया है उस रिस्ट्रिक्शन को ट्रेन क्या कर रहा है, पार कर रहा है। उसका इंडिकेशन क्या है, एक बेल है फिर पॉज है एक बेल है, इसका मतलब कहा जाता है कि उसको रिस्टोर कीजिए, वो रिज्यूम कीजिए, उस प्रिस्क्राइब्ड स्पीड को रिज्यूम कीजिए। छः में कहता है कि दो बेल बजे फिर पॉज हो फिर दो बेल बजे, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ऑटोमेटिक जो सिग्नल होते हैं उसको ऑन एस्पेक्ट में ट्रेन को, ट्रेन क्या कर रहा है, उसको पार कर रहा है। अगर दो बेल बजे फिर पॉज हो फिर दो बेल बजे, इसका मतलब होता है कि ट्रेन जो है ऑटोमेटिक सिग्नल को जो है ऑन एस्पेक्ट में पार कर रहा है। अगर तीन बेल बजता है, तीन बेल बजे फिर पॉज हो फिर तीन बेल बजे, इसका मतलब क्या है, मोटरमैन नॉट टू एक्सीड प्रिस्क्राइब्ड स्पीड। अगर तीन बेल बजता है फिर पॉज और तीन बेल बजता है, इसका मतलब है कि मोटरमैन को प्रिस्क्राइब्ड स्पीड को एक्सीड करने की, बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो यह है सबर्बन इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन में चलने वाली जो ट्रेनें होती है उसमें गार्ड और लोको पायलट के बीच में यह कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो सर कंट्रोल LDC क्लासेस में आज हम लोग बेल कोड के बारे में पढ़े हैं, कमिंग वीडियो में जो है व्हिसिल कोड के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।